क्रोम ब्राउजर में जाके अपने चैनल का फ्यूचर चेक करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम अपना। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि YouTube के न्यू अपडेट के बारे में। YouTube ने बहुत ही अच्छा न्यू अपडेट लाया है, जो अब हमको क्या करना है दोस्तों, अपने चैनल का फ्यूचर देखने के लिए क्रोम ब्राउजर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, बहुत छोटा सा ही वीडियो बनेगा, क्योंकि न्यू अपडेट आया है YouTube का और बहुत बढ़िया आया है, और ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट आपको वीडियो दिखाएंगे जो YouTube ने न्यू अपडेट के क्या किया है। न्यू अपडेट ये किया दोस्तों कि अब हमको क्रोम ब्राउजर में जाके अपने चैनल का फ्यूचर चेक करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम अपना क्या नाम है YouTube स्टूडियो खोलेंगे, और YouTube स्टूडियो ऑन करने के बाद ही YouTube के नीचे ही YouTube स्टूडियो ऐप के नीचे ही हमें चैनल का टोटल फ्यूचर मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया अपडेट आया दोस्तों, अभी मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है, छोटा सा अपडेट है और बहुत बढ़िया अपडेट है। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पहले हमें अपना जाना है YouTube स्टूडियो में। जैसे कि हम अपना YouTube स्टूडियो खोलेंगे, YouTube स्टूडियो ऑन हो गया, यहाँ लिखेगा डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट, एनालिस्ट, कमेंट और मोनेटाइजेस। दोस्तों ये मोनेटाइजेस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे चैनल का टोटल फ्यूचर आ रहा है, कितना हमारा ये है, कितना क्या है, ग्रोथ करने में कितना, मतलब मोनेटाइज होने में कितना समय लगेगा, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। ये फ्यूचर एक अब है किसी पे नहीं आया, और जिन दोस्तों के ऊपर अगर ये फ्यूचर नहीं मिल रहे हैं, मोनेटाइजेज का ऑप्शन ये अगर फ्यूचर नहीं मिल रहा है अगर आपको, तो आप प्लीज़ अपने YouTube स्टूडियो को अपडेट करें और आपको ये देखने को मिल जाएगा, और हमें क्रोम में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो यहाँ से देख लेंगे, हर चीज़ देख लेंगे दोस्तों, और मोनेटाइजेज देखने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, क्रोम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान है, आप भी अपना चैनल देखें प्लीज़। थैंक यू दोस्तों।